अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 15 सफ़ा नंबर 137 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद नज़्म मेरा वतन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन अशार में शायर हमें वतन के बारे में क्या बताना चाहता है। जल्दी से अब सफ़ा नंबर 137 खोलते हैं। आपने देखा यहाँ पर कितनी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पर हमारे झंडे की तस्वीर बनी हुई है और दो फौजी ऐसे हैं जो हमारे झंडे को सलाम कर रहे हैं, सल्यूट मार रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, ये होती है वतन से मोहब्बत। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 137 में शायर क्या कहता है अपने वतन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद ख़ास अल्फाज देखते हैं। ख़ास अल्फाज कौन कौन से हैं? सुहाना, सरसब्ज, मंजर, लहकते, महकते, घटाएं, उल्फत। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस नज़्म में मौजूद हैं, जो हम इन अशार में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे मैं चंद सवालात करना चाहती हूँ नज़म पढ़ने से पहले। जल्दी से बताएं अपने वतन का नाम, क्या नाम है? शाबाश, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। वेरी गुड। आपको पता है हमारे वतन में क्या क्या है? जल्दी से बता दें। वेरी गुड। हमारे वतन में पहाड़ है, रेगिस्तान है, खुले मैदान है, दरिया है, खूबसूरत चश्मे हैं। हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। वेरी गुड। इसका मतलब है आपने अपने वतन को देखा है, आपने मुख्तलिफ जगहों पे सैर की है, आपको पता है हमारा वतन कितना खूबसूरत है। वेरी गुड। अब हम जल्दी से पहले शेर की तरफ आते हैं। शायर क्या कहता है? ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। यहाँ शायर क्या कहता है वतन से मोहब्बत के बारे में? शायर कहता है कि मुझे अपना वतन अपनी जान से क्यों ना प्यारा हो, क्यों ना वो मुझे अपनी जन्नत का टुकड़ा लगता है, क्यों ना वो उस पर मैं अपनी जान निछावर करूँ, क्यों ना करूँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं उस पर जान निछावर करना चाहता हूँ। ये मुझे अपनी जान से बहुत प्यारा है। इसके अलावा हम दूसरा शेर देखते हैं। सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इसमें शायर अपने वतन के बारे में क्या कहना चाहता है? क्या कहता है कि हमारा वतन बहुत ही खूबसूरत है, हमारे दिल को भला मालूम होता है, वैसे हमारा वतन ही बहुत प्यारा है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे शायर तीसरे शेर में क्या कह रहा है? ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। यहाँ शायर अपने वतन की एक और खूबी बयान कर रहा है। वो क्या खूबी है? वो कह रहा है कि हमारे वतन के हरे भरे जंगल हवा के चलने से लहलहाते हैं और कितने खूबसूरत नज़र आते हैं, हमें भले लगते हैं। इसके बागों का मंजर हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ फूल महक रहे हैं जो बागों की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। फूलों की महक से बाग का मंजर भी खूबसूरत महसूस होता है और खुशबू से भी महकता है। चौथे शेर में शायर कहता है, लहकता महकता हमारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इस शेर में शायर कह रहा है कि हमारा वतन बहुत ही प्यारा है, जब हवा चलती है तो इसके हरे भरे खेत खूब लहकते और महकते हैं। पांचवे शेर में शायर कह रहा है, किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें, है जितनी वतन से मोहब्बत हमें। यहाँ शायर कहता है कि हमें अपने वतन से जितनी मोहब्बत और उल्फत है इतनी किसी और से नहीं है। हम अपने वतन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत करते हैं जितनी किसी और से हम नहीं कर सकते। हमें जानो दिल से है प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इस आखिरी शेर में शायर कहता है कि हमें अपना वतन हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा है, यानी अपने दिलो जान से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि हमारा वतन हमें बहुत प्यारा लगता है, हमने इसको बहुत ही मुश्किलों और कोशिशों के बाद हासिल किया है, हम इस पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं। आपने देखा
शायर ने इस नज़्म में अपने वतन की कितनी खूबियाँ बयान की और क्या बताया कि इन सब खूबियों के बावजूद हम अपने वतन पर अपनी जान निछावर करते हैं, क्योंकि इस जैसा खूबसूरत वतन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस वतन में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। आप में इस नज़्म को पढ़ने के बाद वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया होगा। अब आपने अच्छी तरह से इस नज़्म को याद करना है और दोहराना है, ठीक है? अच्छा लगा आपको? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।